दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप सीएससी वीएलई हैं तो आप ऑनलाइन अबाउट तो आप जो है वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र बना सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, ये सर्विस भी आपको बहुत जल्द ऐड हो जाएगा सीएससी पोर्टल पे। तो आप ऑनलाइन अपना वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं और ऑनलाइन वोटर आईडी कार्ड सुधार भी कर सकते हैं सीएससी के द्वारा। तो दोस्तों मैं आपको एक पोस्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, moneybhaskar.com की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें बताया गया, जो कि 4 अगस्त को पोस्ट किया गया है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बताया गया है अब सीएससी पर बना सकेंगे अपना वोटर, ठीक है, सीएससी पर बना सकेंगे अपना वोट और वोटर कार्ड में होगा अपडेट। यानी कि यहाँ बताया गया सीएससी पर बनवा सकेंगे अपना वोट और वोटर कार्ड में अपना अपडेट करवा सकते हैं सीएससी वीएलई, किसी का भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, चुनाव आयोग ने 8 अगस्त को करेगा नई सर्विस का उद्घाटन। यहाँ पे लिखा गया है चुनाव आयोग 8 अगस्त को करेगा नई सेवा का उद्घाटन, कई राज्य के साथ क्या समझौते। यानी कि ये सर्विस जो ये 8 तारीख को लॉन्च किया जाएगा, 8 तारीख को उद्घाटन किया जाएगा और हो सकता है 8 ही तारीख को ये सीएससी के पोर्टल में भी ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ पे पूरी चीज दी गई है, मैं आपको इस वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, आप ये भी पढ़ लीजिएगा, अच्छी समझ भी लीजिएगा। और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए बनाए गए कॉमन सर्विस सेंटर अब चुनाव आयोग संबंधित सेवा भी देंगे। यानी आप वोट बनवाने, वोटर आईडी कार्ड या किसी अन्य प्रकार के जानकारी कराने का कार्ड सीएससी के माध्यम से करा सकेंगे, यहाँ पे यह बताया गया। उसके बाद यहाँ 8 अगस्त से शुरू हो जाएगी नई सर्विस। 8 अगस्त से यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि 8 अगस्त से ये सर्विस शुरू कर दिया जाएगा। सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी ने पीटीआई से बातचीत में कहा, चुनाव आयोग संबंधित सेवाओं एवं सीएससी पर मिलेगी ये सुविधा 8 अगस्त से शुरू हो जाएगी। ये सुविधा जो है ये 8 अगस्त को आपके सीएससी पोर्टल में ऐड कर दी जाएगी और आपको नोटिफिकेशन भी दे दिया जाएगा किस तरह करते हैं। त्यागी ने बताया, इस संबंध चुनाव आयोग पहले ही सभी राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं, सभी को आदेश भी मिल चुका है। इसमें यहाँ से आप वोटर आईडी कार्ड न्यू बना सकते हैं और यहाँ से अपडेट भी करवा सकते हैं। यहाँ देखिए, अपडेट करा सकेंगे अपना वोटर आईडी कार्ड। तो यहाँ पे पूरी चीज विस्तार से बता दिया गया है कि आप अपना न्यू बना भी सकते हैं, अपने कस्टमर का न्यू पहचान पत्र बना भी सकते हैं, अगर बना हुआ तो उसमें करप्शन भी सुधार भी कर सकते हैं। ये सर्विस आपको 8 अगस्त है, यानी आज 5 अगस्त है, तो 3 दिन बाद ये सर्विस लॉन्च की जाएगी आपके सीएससी पोर्टल पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटी सी जानकारी के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।